बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि जयपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत की हुई एंजियोप्लास्टी, सफल रही सीएम की एंजियोप्लास्टी। मंत्री भंवर सिंह भाटी से एमकेएन की खास बातचीत। सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट कर उन्होंने कहा, कोविड 19 के बाद हो रही थी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मुझे खुशी है ऐसे में अस्पताल में इलाज करा रहा हूं। सीएम गहलोत की कराई गई कार्डियक एंजियोग्राफी। पीसीसी चीफ डोटासरा पहुंचे एसएमएस अस्पताल। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनकी एंजियोप्लास्टी सफल रही है। मंत्री भंवर सिंह भाटी से एमकेएन की खास बातचीत हुई है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के बाद हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बाद वे एसएमएस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं एसएमएस अस्पताल में इलाज करा रहा हूं। सीएम गहलोत की कराई गई कार्डियक एंजियोग्राफी। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से चेकअप करवाया गया और एंजियोप्लास्टी उनकी हुई है, बहुत सफल हुई है। डॉक्टरों की राय है कि लगभग वो पूरी तरह से ठीक है। ईश्वर से, भगवान से ही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर के आए। राजस्थान के ये 8 करोड़ जनता की दुआएं उनके साथ है और अशोक गहलोत जी जल्दी से ठीक होकर के राजस्थान की जनता की फिर से सेवा करें। ये आम आदमी सीएम अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनकी एंजियोप्लास्टी सफल रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं। गौरव, सीएम अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, अभी ताजा अपडेट के अनुसार सीएम अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जो प्रिंसिपल हैं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने अभी जानकारी दी मीडिया को, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी तरह से अब वो स्वस्थ हैं। उनको जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, पर सुधीर भंडारी जी के अनुसार वो अब घर कभी भी भेज सकते हैं, उनको कभी भी उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। पहले जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार शाम तक उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी, पर डॉक्टरों ने तुरंत विशेषज्ञों में एक साथ होकर के और जल्दी उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी है और अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही बताया जा रहा है। साथ ही एक बात जो उन्होंने बताई है कि मुख्यमंत्री का जो इलाज किया गया है वो एक साधारण नागरिक की तरह किया गया है। वो जिस आईसीयू में एडमिट है उसमें 20 और पेशेंट भी एडमिट है, उन्हीं के साथ वो एडमिट है। ऐसा उनके लिए कोई अलग से विशेष इंतजाम नहीं किया गया है कि उनके लिए अलग से कोई बेड आईसीयू में कोई अलग से कोई जगह का इंतजाम किया हुआ है या ऐसा। नॉर्मल आईसीयू वार्ड में और 20 पेशेंट एडमिट है, उन्हीं के बीच में एक बेड पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एडमिट है। और RGHS जो राजस्थान हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड करके उनका इलाज किया गया है। और सुधीर भंडारी जी ने बताया कि लगातार पिछले काफी टाइम से पोस्ट कोविड के बाद उन्होंने आराम नहीं लिया था, जिसके कारण लगातार 400 से ज्यादा VC करने के कारण उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई। पहले सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से उनको नेक में और उनके हाथ में पेन रहा, उसके बाद उनको चेस्ट में हैवीपन महसूस हुआ, चेस्ट में भारीपन महसूस हुआ, जिसके बाद जो टेस्ट कराए गए सिटी एनजीओ कराया गया, उसके बाद ये सामने आया कि उनकी एक आर्टरी 90% तक ब्लॉक है। उस आर्टरी का ट्रीटमेंट करके अब एंजियोप्लास्टी कर दी गई है और एंजियोप्लास्टी के बाद स्टेंट डाल दिया गया है और अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। जी गौरव, वहीं यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कहना है उनके स्वास्थ्य को लेकर? डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब मुख्यमंत्री जो है कि जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है, हालांकि कुछ डॉक्टर्स की सलाह है कि उनको 2-3 दिन तक और यहाँ रखा जाए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के चाहने वाले बहुत हैं, उनके वेल विशर्स बहुत हैं, जो जिसकी वजह से उनको शायद घर पे, तो वो अगर घर चले जाएंगे तो वहां पे वो प्रॉपरली आराम नहीं कर पाएंगे काम को देखते हुए और चीजों को देखते हुए। तो इसलिए कुछ विशेषज्ञों की सलाह ये भी है कि उनको 2-3 दिन यहाँ रखा जाए, पर स्वास्थ्य के अनुसार और मेडिकली वो बिल्कुल फिट है और उसके अनुसार उनको अब डिस्चार्ज किया जा सकता है।
जी गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और वहीं अब डॉक्टर्स का कहना है कि वे पूरी तरीके से ठीक है। वहीं आराम करने की हिदायत यहां पर मुख्यमंत्री को डॉक्टर्स द्वारा दी गई है। आराम करने के लिए यहां पर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री को कहा है। वहीं आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के बाद हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद वे यहां पर आए थे और उन्हें खुशी है कि एसएमएस अस्पताल में वे इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें सीएम गहलोत की कार्डियक एंजियोग्राफी कराई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का थोड़ा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से चेकअप करवाया गया और एंजियोप्लास्टी उनकी हुई है, बहुत सफल हुई है। डॉक्टरों की राय है कि विक्रम सर वो पूरी तरह से ठीक है। ईश्वर से, भगवान से ही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर के आए। राजस्थान के की 8 करोड़ जनता की दुआएं उनके साथ है और अशोक गहलोत जी जल्दी से ठीक होकर के राजस्थान की जनता की फिर से सेवा करें। ये आम आदमी हर व्यक्ति ये भगवान से ही कामना करता है। सीएम अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और फिलहाल उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है।